कला संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन। परिवर्तन के खातिर शहादत देलिन वही शहीद सबके स्मरण में एक मिनट मौन धारण कर दे। ये मांगना हमारा मधेश का काम है, ये जनजातियों का काम है, ये आपको मांगना पड़ेगा कि हमको बाकी चीज कुछ नहीं चाहिए। कार्यक्रम राष्ट्रीय बेला राष्ट्रीय सम्मेलन अध्यक्ष जी TMNC के महत्वपूर्ण हम वही काज से लेब चाहे हमार मंचा सिंह मिश्र सर उसके बाद दिवस राय सर उनके बाद नारायण वागले सर है संभवतः हेवे करता रीता शाहजी आ हमर महतो सर आ सबसे महत्वपूर्ण आजुक उपस्थित एक हॉल के आ हॉल से बाहर के जतेक व्यक्तित्व शुभचिंतक छे हुनका सबके सबके एक दोसर के जोर से एक थपड़ी बजा के स्वागत कर देवा के हम अपने स्वागत एक पर जोर से जी हम अध्यक्ष जी के बात सुनने समय संयोजक जी कहने चला जे आजुक ई कार्यक्रम में भाषा के कोनो बैरियर नहीं छे ताई भे मातृभाषा के हम प्रयोग करबा हम अनुमति अपने सबसे चाहब संभवतः किसी गोटे के बुझवा की कने समस्या हो मुदा बुझ पड़े कि भाषा कि भाषिक स्वतंत्रता भाषिक विचार बहुत महत्वपूर्ण हो सबसे पहले ये आजुक पांच वर्ष जे छे पांच वर्ष में बच्चा डेगा डेगी नहीं दे छे संतान डेगा डेगी नहीं दे छे उठ कर चल लगे छे ई दौड़ लगे छे पांच वर्ष तो दोसर कार्यकाल दोसर अध्यक्ष जी पहिल सीएम चौधरी जी दोसर विकास ठाकुर जी आ तेसर जे अथी अभी दौड़ जे पहले से दौड़ लै है स्पीड ले गई है दोसर और ले गई है तेसर और ले अ के हमरा तरफ से व्यक्तिगत तरफ से आ आयोजक परिवार के तरफ से हमरा हार्दिक मंगलमय शुभकामना आ एक बेर फिर जोर से ताली बजा देबाक आवश्यकता है तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद की जी दूटा शब्द अपना सबके मधेश में होइछे मधेशी में एक ताली एक गाली होइछे तो गाय पर एक हमरा अहाँ सबके बहुत जे छे गाम से लक घर से लक प्रत्येक बात में से ब्याह दान से लक सब में पड़े छे लेकिन ताली कम ठोके छे थपड़ी कम ठोके छे तो थपड़ियो हम सब इतने बजबै छी जे ई संस्कार छे ई संस्कृति छे ई हमरा सबके भावना है ई जन भावना है जे हमरा सबके बीच में जे अभियंता छथि नागरिक अभियंता नागरिक नारायण वागले सर छथि हमरा सबके दिवस राय जी छथि शहीदक जे छथि से ई भावना लऽ कऽ जाइत हेतु सँ ई बुझि कऽ जाइत और बुझै छथि ईसब बहुत बेसी लेकिन और कनेक हमसब प्रभावकारी ढंग सँ हिनका सबके ई संप्रेषण करी से हमर निवेदन हम अहाँ तराई मधेश के धनुषा में चली धनुषा के झिटकैया में चलू तो की अवस्था छै सप्तरी के सिमराहा में चलू तो कोन अवस्था छै बाके के नरैनापुर में चलू कोन अवस्था छै झापा के झापा गांव पालिका में कोन अवस्था छै आ एते के खराब अवस्था क्या छै झापा के सबसे विकसित जे छै जिला कहल जाइ छै नेपाल के स्वतंत्रता जिला में लेकिन ओत जे जेबै गौरीगंज के बॉर्डर के ठाव पर के जे गांव पालिका छै झापा गांव पालिका जे छै ओहिना अविकसित छै जे अवस्था दमक में छै जे अवस्था हाईवे में छै तैसँ हमरा बुझैए सहियो गुना पछाड़ी छै ओतुका अवस्था लेकिन हमसब चालू कात के एक बेर जे छै दमक के बात करै छी हमसब हाईवे के बात करै छी
हमसब ओहि ठाउँ पर जाइ छी कि नहि जाइ छी, एहि तक प्रश्न अबै छै जे हमसब जेना काठमांडूसँ लोक जे पहिले रेडियो नेपालके कहै छलैया जे बाहरमे खिड़की दऽ कऽ देखै लगै छलै जे आइ जे बदली रहतै आकाशमे देखै छै आइ जे बदली उड़ै छ, तेहने तऽ हमसब नहि करै छी, ओतऽ पहुँचनाइ हमरा सबके आवश्यकता अछि। किछु वक्ता सब कहने छलखिन हँ जे ई बात ओतऽ गेनाइ जरूरी अछि, हमसब ओतऽ चली, हमसब ओतऽ जाइ, रियलिटी की छै तऽ अवस्था छै चाहिटा, समस्याके समाधानक हम बात करी, समस्याके बात नहि करी। नम्बर एक चेतना जे कहलिए जे चेतनाके कम्प्लीट रूपमे समस्या छै, नम्बर एक ओकरा चेतना बढ़बऽ पड़लै, चाहे व्यक्तिके चेतना होइ, चाहे परिवारके चेतना होइ, चाहे समाजके चेतना होइ, ओकर अवस्था बहुत नीचा छै, बहुत नीचा छै, खास कर सीमावर्ती क्षेत्रमे। सीमावर्ती क्षेत्रके कञ्चनपुरके हम बेलौरीमे गेलहुँ जतऽ मैक्सिमम मधेसी आ थारू छै मधेसी, ओहिमे वएह अवस्था छै देख कऽ अयलहुँ। तऽ चेतनाके जखने चेतना नहि हेतै, जखने अ नहि हेतै तऽ ज्ञान कतऽसँ हेतै, एबे नहि करतै, स्वाभाविक बात छै। तऽ चेतनाके जखने प्रॉब्लम छै तखन ओकरा रूपांतरण नहि हेतै, ट्रांसफॉर्मेशन कतऽसँ हेतै। हम अहाँ जे ट्रांसफॉर्मेशन ऊपरसँ मलहम लगा कऽ करऽ चाहै छी से केना हेतै, चोट लागल एकटा कवि छै लागल छल मुँह पर कारी हम एना देखते रहलहुँ, कारी लागल अइ मुँह पर आ एनाके पोछै छी तऽ समाधान हेतै, नहि हेतै कोनो शर्त पर नहि हेतै। तऽ दोसरमे रूपांतरण चाही समाजके, व्यक्तिके चाही, परिवारके चाही, जखन रूपांतरण हेतै तऽ तेसरमे ओकरा सशक्तिकरण हेतै, इम्पावरमेंट हेतै, ओ सशक्त हेतै, बजनाइ सीखतै। चलू एकटा सीडीओ ऑफिसमे दू आदमीके लऽ कऽ एक आदमीके जाय पड़ै छै एकटा सेवा ग्राहीके, नहि ओकरा भाषा अबै छै आ नहि ओकरा बाजल अबै छै, नहि ओकरा लिखल होइ छै, दू आदमीके कामसँ लऽ कऽ जाइ छै, ओकर जे छै आब की खर्च होइ छै से हम अहाँ बुझि दै छी ओकरा, तऽ सशक्तिकरण नहि छै। सशक्तिकरण जखन नहि हेतै तऽ पहुँच कतऽसँ हेतै, पहुँच हेबे नहि करतै, एक्सेस नहि हेतै। तऽ हमरा सबके आवश्यकता छै ई तराइ मधेस जे छै राष्ट्रीय परिषद सहितक जे संस्था छै ओकर आवश्यकता छै ई चारिटा चीजमे, हमरा अहाँके साथ डेगमे डेग मिला कऽ स्टेपमे स्टेप मिला कऽ ओकरा चलैके छै, चेतना बढ़बैके छै, रूपांतरण करबैके छै, रूपांतरणके बाद सशक्तिकरण करबैके छै आ सशक्तिकरणके बाद पहुँच पर। आब ई संस्था महत्वपूर्ण अछि एहिके लेल, कोना तऽ संस्था निर्माणके लेल, संघ संस्था निर्माणके लेल किछु आधार होइ छै, ओकर विचार पहिल होइ छै विचार, एहि संस्थाके पासमे विचार छै, विचारके बाद दोसर होइ छै संगठन, एहि संस्थाके संगठन छै, तेसरमे होइ छै ओकर नेतृत्व, एहि संस्थाके पासमे दोसर नेतृत्वके अवस्था छै, आब तेसर नेतृत्व हेतै, नेतृत्व छै, ओहिके बाद संसाधन। हम विकास जीसँ पुछलियै जे अहाँ सबके कतऽ कतऽ छै तऽ कहलखिन तराइ मधेसके प्रत्येक जिलामे हमरा सबके छै, 10,000 करीब करीब हमरा सबके सदस्य अछि, तऽ ई 5 वर्षमे एतेक जे छै जे आगू बढ़लकै, एहिके मतलब छै जे एकरा संसाधन छै, रिसोर्सेज छै, रिसोर्स छै दू प्रकारके बगैर, ह्यूमन रिसोर्सेज मानवीय संसाधन आ भौतिक रिसोर्सेज अथवा ताहिमे आर्थिक कहल जाए, ओहिके बाद ई सब दौड़ै छथिन अनुगमन आ सुपर्यवेक्षण करै छथिन, ओकर बाद मूल्यांकन, या मूल्यांकन जे अपने सब सब वक्ता सबके लिए या अपने सब जे मूल्यांकन के लिए जे ई संस्थाके ई सब जे छै संस्था कोनो संस्था नीक संस्थाके ई सब क्वालिटी मानल जाइ छै, तऽ ई सब किछु छै एहि संस्थाके पासमे। एहि संस्थाके हम अहाँ सुचिन्तक छियै, ई संस्था मधेसी समाजके मधेसी समुदायके इम्पावरमेंट के लेल छै, एक्सेस के लेल छै, ताहि दुआरे हमरा अहाँके पहिल कर्तव्य बनैए जे एहि संस्थाके साथ जते ई काज कऽ रहल छै एकरा आओर आगू बढ़ाबी, एकरा आओर जे छै से विकासके लेल आगू बढ़ाबी, से हमरा अहाँके परम कर्तव्य, पहिल कर्तव्य हमरा अहाँके बनैए। आब ई संस्थाके बाद आब एतेक बात उठलैए हमरा अहाँके, ओ तऽ अखन तक मधेसी के सब छै नेपालमे जे कोनो परिभाषा अथवा कोनो डॉक्यूमेंट आयल अछि कहल जाए तऽ केओ केओ नहि कहि सकै छी, एहि दुआरे कि मधेसी समुदाय के सब छै, मधेसीमे के जाति की छै, मधेसी के थौर की छै, जे अखन तक नहि आयल,
एक बेर 2065 साल माघ 21 गते किछ बात आयल रहे लेकिन उ रह गेले ओहिना जे सुने लिखिन केशव महतो जी आगू नहीं बढ़ले। आप मधेसी आयोग हम जे छे जे 15 ई जे 30 गते 30 गते जे छे हम सब फागुन 30 गते मधेसी का जात र थर जे छे कंप्लीट क क 15 गते के ही नेपाल सरकार में सिफारिश कर दिलिए। मधेसी आयोग के यदि अपने सब के हाथ में तखन मोबाइल हेते अखने खोल कर देखल जाए www.madheshecommission.gov.nd में अपने सब हाथ में मोबाइल खोल कर देखल जाए 152 टा जे जाति जे छे के हजारों से बेसी धर जे छे से सूचीकृत क क नेपाल सरकार के देल द चुकल छे जे एकर अखन तक जे हम अहाँ कहे छलिए जे मधेसी कत छे मधेसी के छे तै मध्ये आ बाकी छे किछ और ओकर काज ओहि में बाकी छे तो हम अहाँ ओ काज जे छे ई जे आयोग अछि ई जे अपने सब के जे नेतृत्व में अपने सब के आंदोलन से सर्वोच्च अदालत के जे 2067 साल में एकटा निर्णय भेलै ओहि के से प्राप्त जे ऐसे की काज केलक है एक नंबर में। दोसर में मधेसी की जनसंख्या हम अखन सीबीएस तथ्यांक विभाग कल गया कि 53.66% जे मधेस की जनसंख्या छे तराई मधेस की लेकिन तराई मधेस की जनसंख्या कहल गया मधेसी की जनसंख्या कते है तो आप जखने ई थर सूचीकरण अथवा जाइत के जे स्पष्ट भेला आप ओकर तुरंत जे छे एकर जखने एते 68 के हम सब निकाल लेने छी लेकिन 68 से तो आप काम नहीं चलते 78 में चाहिए। अब ये तो जन महतो जी चाहते महतो जी के नेपाल में कतेक जनसंख्या छे वो आई एतो जे छे रीता शाह जी छथिन आब ओ सम्भवतः तेली शाह छथिन तेली शाह के जनसंख्या कते छे से अपन देख लेती अलग हथियार लऽ कऽ युद्ध लड़ै लए चलै छियै हम अहाँ अगाड़ी बढ़ै छियै लेकिन हाथ में अ बैड कारपेंटर पैरेंज विद हिज टूल्स कहल जाइ छै यदि एकटा बढ़ी छै एकटा काज करै वाला छै यदि ओकरा लग बुखार ओकरा लग बैसला ओकरा लग ई सब नहि रहतै हथौड़ा नहि रहतै तऽ काजे नहि करतै ने तो हमरा अहाँ कि ई जे छै जे तथ्यांक जे आवश्यक छै ओ तथ्यांक आबि गेल है आबि जायत आब 78 के जनगणना के जखने ओतऽ से देते कि हम किछु दिन के बाद ई जे छै से आगू बढ़ा देब तऽ ताहि लेल तऽ अपने सबसँ बहुत बेसी निवेदन अछि अपने सबसँ विनम्रतापूर्वक आग्रह अछि जे हमरा अहाँ के तीन टा शब्द के बहुत बेसी जरूरी होइ छै। नंबर एक होइ छै जिज्ञासा तऽ हमसब जिज्ञासु कतेक छी जे कतौ भ रहल छै ई कार्यक्रम भ रहल छै ई कार्यक्रम की सब भ रहल छै ई संस्था हमसब जिज्ञासु कतेक छी एकटा पहिल बात आत्ममूल्यांकन के नै सबसे बेसी जरूरी दोसर में धैर्यता कतेक अछि पेशेंस अछि कतेक पेशेंस अछि कि हमसब पेशेंट बनि जाइ छी दोसर बात आ तेसर में एक आदमी दोसर आदमी के नेतृत्व के विकास के कते काज करै छी ई तीन टा चीज बहुत महत्वपूर्ण मानल जाइ छै कोनो चीज के प्राप्त करबाक लेल जे तीन टा चीज महत्वपूर्ण मानल जाइ छै जिज्ञासु भेनाय धैर्य रखनाय आ नेतृत्व के जे बड़का लोग जे छै जे नेतृत्व में छै जे महत्व जी उठेलखिन आ शब्द उठेलखिन जे दोसर आदमी के नेतृत्व में हम अहाँ कर दै छी हम ही जे छै से मात्र जे छै एको हम द्वितीयो नास्ति हम अहाँ करै छी तऽ ओ नेतृत्व के जहाँ विकास नहि हेतै ओहि नेतृत्व के विकास में खाली एकेटा जाति हमरा अहाँके जातीय संगठन गंभीर रूप में तराई मधेस में भऽ गेल अछि मधेसी में एकेटा जाति एकेटा पाइत एकेटा सब केओ आरक्षण हेतै तऽ वएह खेतै बुझलिए कि नहि ओ जे गाम में जे रिलीफ पटेतै तऽ वएह खेतै ओ जे जतेक जरूरी छै जकरा लक्षित वर्ग छै कतेक प्राप्त कऽ रहल छै किएक तऽ नेतृत्व के विकास यदि नहि करबै तो ये हमरा अहाँ के समाज के जे विकास हेतै ई घर में यदि 10-20 पिलर छै आ 5 पिलर कमजोर भ जेतै तऽ एकटा भूकंप हेतै चारों रेक्टर के देत खिस पड़तै तो समाज हमरा अहाँ के मधेसी समाज की वह अवस्था है जो एक बगल से विकास से विकास विकास से विकास छै किस गोटे के आ किस गोटे के विनाश से विनाश में जा रहल छै तो इहो बात पर नेतृत्व जो हम सब सब के नेतृत्वदायी अपने सब सब जो हम अहाँ जतेक कहल छी सब नेतृत्वकर्ता छी सब के अगुआ छी आब हमरा अहाँ के ओहि पर जे छै से आयोग जे छै आ संयुक्त रूप में काज केनाइ जरूरी है जे 33% जे छै ताहिमे हमर मधेसी महिला कते मधेसी महिला कतौ अछि सबटा
सबटा के तथ्यांक आबि रहल कतौ नहि अछि एकोटा नहि दलित के छै दलित में कतौ अहाँ के आयला से देखियो 26 टा जाति दलित में छै सूचीकरण के नहि नेपाल सरकार 19 टा मधेशी दलित छै एकोटा के नाम देखा दिए तऽ 72 साल के बाद जे छै निकाललकै यऽ कतौ कतौ आरक्षण में देखा दिए तऽ ई अवस्था अछि तै के बाद जे छै आदिवासी जनजाति महासंघ के तऽ छथिन हिनका समर अछि 19 टा 14 टा हिनका सबके संगठन छै जाति जाति जे छै से सूचीकृत छै ताहिमे 9 टा जाति जे छै से मधेशी के छै देखलिए यऽ कतौ कतौ नहि छै आब कहू तऽ ई हमरा अहाँ के समुदाय हम पहिले कने छलहुँ लागल पर लागल अछि मुँह पर कारिक हम एना पोछते रहलहुँ आब समस्या अहाँके हड्डी में अछि समाधान हम अहाँ जे छै ऊपर से वॉइंटमेंट मलहम देल देल के लगा लगा के करै छी तऽ ई परिस्थिति अछि हमरा अहाँ सबके ई चैलेंज अछि ओहि चैलेंज के अपॉर्चुनिटी में चेंज करऽ पड़त जे हम विकास जी सँ जे आइ के अध्यक्षता कऽ रहल छथिन हुनका सँ हम रिक्वेस्ट करबै आ एतेक जे नागरिक अगुवा सब छथिन हिनका सबके ई कर्तव्य बनतै किया तऽ मधेशी समुदाय के समस्या खाली मधेशी से कहल के बड़ा बढ़िया कहलखिन रीता जी जे जसको मुद्दा जसको अगुवाई लेकिन एत अगुवाई होइ छै जा धरि जे छै से दोसर गैर मधेशी ओकर साथ नहि देतै तऽ केना हेतै नहि हेतै महिला के समस्या महिले से समाधान नहि हेतै ओकरा जे छै से पुरुष के साथ देबऽ पड़तै यानी युवा के समस्या खाली युवा से समाधान नहि हेतै ओकरा गार्जियन जाबे तक साथ नहि देतै ताबे तक नहि हेतै विद्यार्थी के समस्या विद्यार्थी मुद्दे मात्र हेतै जाबे ओकरा साथ टीचर ओकरा सबके गार्जियन नहि हेतै ता दिन काज नहि हेतै तो ये आवश्यकता एक चीज के छे हम अहाँ नेतृत्व विकास कते करबे छी ई भ सकैय हमरा अहाँ के एठाम गरै थात धीरे धीरे एठाम चोट लगै थात लेकिन नहि एकटा बड़ा सुंदर कवि छे एकटा बड़ा सुंदर एकटा शायर छे यानी शायरी छे की डंका पर चोट बजै छे बिना जोर से ठोकने डंका तो सुनै छे ढोलक पहले जे छलैया जे दसवीं में बजबै छलै डंका अखनो रंग में विभिन्न जे होइ छै बुढ़ा बुढ़ी होइ छै विभिन्न होइ छै ओहिमे डंका पर पिटल जाइ छै आब तऽ हम अहाँ बिसरि गेलियै कल्चर पर बिसरि गेलियै हमसब बिसरि गेलहुँ जे ओ डंका ककरा कहै छै ओकरा डम्फा ककरा होली में डम्फा ककरा कहै छै से बिसरि गेलहुँ हमरा अहाँके सांस्कृतिक अवसान के अवस्था में तऽ ओहिमे कहै छै कि डंका पर चोट पड़ै छै बिना जोर से ठोकने कि भेटल छै अधिकार जगत में बिना जोर से बजने सुनू युवा सब फेर लगाऊ अपन एक आवाज तखने भेटत हमरा सबके बाकी सब अधिकार तखने भेटत हमरा सबके बाकी सब अधिकार लेकिन महिलाओं की जो बात होता है वो प्राय मंचों पे होता है ये दुख की बात है ये हमारे जीवन में ये हमारी जीवन पद्धति है महिला के बगैर हम जी नहीं पाएंगे महिला के बगैर हमारा परिवार नहीं चल पाएगा हमारा समाज हमारा जीवन नहीं चल पाएगा और उस महिला के बारे में हम मंच पे बात करते हैं अपने घर में धरातल पे जमीन पे हम फिर क्यों का त्यों रहते हैं ये दुख की बात है और नारायण वागले सर इनका नाम हमने कई बार सुना था पहली बार मैंने देखा है इनको मंच पे और इनके मंतव्य में एक शब्द आया है मधेश राष्ट्र हम यही चाहते हैं कि मधेश अपने आप में एक राष्ट्र है और इसी बात को लेकर जब मधेश आंदोलित होता है तो आपका राज्य आपका शासन आपका प्रशासन ये सारे चारों तरफ हम लोगों को घेर करके चारों ओर से घेर करके जेल में डाल देता है और भुक्तभोगी मैं खुद रहा 6-7 महीना जेल इसी बात में मधेश एक राष्ट्र है इसकी मुक्ति होनी चाहिए या अनिवार्य है हमारे जीवन के लिए ये अपरिहार्य है मधेश एक राष्ट्र है और इस मुद्दा में हम 6-7 महीना जेल में हमें बैठना पड़ा 4 लाख रुपया अथॉरिटी देकर के निकलना पड़ा तो नारायण सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप किसी न किसी रूप में राज्य से बहुत करीब के हैं आप पूरे देश के नागरिक समाज के अगुवा होंगे या कोई अभियंता हैं आपके राज्य का प्रत्यक्ष सरोकार होता होगा
तो मैं आपसे ये सभा के मन से आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस मंच पे जो बोले हुए हैं महेश एक राष्ट्र है, इस शब्द को और इन बातों को राज्य के सामने, शासन के सामने, सब प्रशासकों के सामने आप रखें कि महेश एक राष्ट्र है। और अभी यहां पे राकेश मिश्रा जी जो बोल रहे थे, हम लोग भोगे हुए हैं, वो हमको कुछ छुए भी हैं कि बाकी कैलाश जी जाने, कैलाश जान करके ही सीके को छोड़ा, कैलाश बहुत अच्छा से सीके को जाना। और जिस आंदोलन में मैं आपको जानकारी करा दूं, मैं मधेसी जनाधिकार फोरम का संस्थापक एक नेता रहा। उस युद्ध में, उस आंदोलन में किसी से मेरा एक कोरी का लगानी कम नहीं रहा, लेकिन वहां का जो थोड़ा रवैया देखा गया, वहां से हटा। और सीके राव जी का जो एक मुद्दा आया, एकदम क्लियर कट मुद्दा, उस मुद्दा से मैं कन्विंस हुआ। और मैं ये जान करके कि तो चार दस साल जेल में तो रहना है, ये हिसाब किताब करके हम उस संगठन में लगे थे, उसका राष्ट्रीय सह संयोजक भी बने, संगठन प्रमुख भी बने, काम भी किए, जेल भी गए, पैसे भी देने, पुलिस का गाली लाठी सब सहे। लेकिन अब सीके जी के बारे में हम ज्यादा यहां पे कुछ नहीं कहेंगे, हम सब जानते हैं सीके जी क्या कर रहे हैं, वो सीके जी जाने। और हमारे मंच पे अभी एक शायद संवैधानिक नियुक्ति के एक पदाधिकारी भी हैं, राजनीतिक नियुक्ति होंगे या समाज क्या है, मैं राज्य का चरित्र आपसे बता दूं, 2065 साल में मैं भी राजनीतिक नियुक्ति पाकर सुकुमवासी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। और जब मैं उस पद पे गया तो इतना उत्साह आया कि का जो समस्या है इसको समाधान हम करेंगे। पटेल जी प्रधानमंत्री थे, एक 10 वर्ष का युद्ध करके आया हुआ इंसान, बदलाव लाने वाला इंसान, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में हम आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे। लेकिन जब काम करना मैंने चाहा तो प्रचंड जी एक भी मुझे कदम आगे नहीं बढ़ने दिया। और उनको यह लगा था कि एक कैलाश महतो मधेसी चेहरे का है, मधेसी मेंटालिटी का है, कुछ मधेश के लिए कर देगा, इसीलिए मुझे उन्होंने कोई काम करने नहीं दिया। और मैं छह महीना का वो नियुक्ति था, साल दो साल जाता, हम 3.5 महीना के अंदर राजीनामा देकर के वहां से वापस आ गए। सोचिए कि हम पद पे रह करके, गाड़ी पे चढ़ करके, एक तो गार्ड लेकर के करेंगे क्या, तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, मजबूरन हमको वहां से राजीनामा देकर के लौटना पड़ा। तो जब प्रचंड जैसे क्रांतिकारी विचार के आदमी, एक नेता, महेश के विरोध में, महेश के नाम पे इतना वो चीरते हैं, इतना वो विरोध करते हैं महेश को, तो बाकी हम किस गिरिजा प्रसाद को जाना की बात करेंगे, किस ओली का बात करेंगे, किस कमल थापा का बात करेंगे, किस शेर बहादुर देवा का बात करेंगे। ये तो जन्मजात हमारे, क्या कहेंगे उसको, दुश्मन कहें क्या कहें, हमारे दुश्मन ही है। प्रचंड जैसे लोग भी महेश को उल्लू बनाने में सबसे माहिर है। और उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे उपेंद्र यादव, उनसे भी मैंने कई बार कहा कि देखिए हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, हम काम करने के लिए आए हैं, काम करने की वातावरण बनाइए। उन्होंने भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, बात जब होगा कि हमको राजीनामा देना पड़ा। तो ये हालात है। अभी यहां मंच पे कुछ साथी लोग बोले कि सत्ता, सरकार, शासन, मेरा मानना है कि महेश तब तक किसी सरकार में शामिल नहीं हो सकता। आज तक आप सब पे थोड़ा विचार करें, क्या कोई महेशी या कोई महेश के पार्टी कोई सरकार में है? सरकार में नहीं है, वो गुलामी में है। गुलामी को आप सरकार कहेंगे? सरकार का मतलब होता है जिम्मेवारी बहन करना। आपके जिस उप प्रधानमंत्री और जिस स्वास्थ्य मंत्री को उनके पद पे रहते हुए
उसके प्रधानमंत्री उसको पद से चट कर देता, उसको पते नहीं क्या वो सरकार है, क्या वो सरकार में है। अभी भरखर एमसीसी पास हुआ, किसी मधेशी दल से किसी मधेशी नेता से ये शेर बहादुर देवा बहुत संवेदनशील होकर के कोई सवाल लिया है, और मधेशी दलों ने अगर साइन भी किया होगा एमसीसी पे तो क्यों, अमेरिका के डर से कि अमेरिका के सामने के हम देखार ना हो जाए, इसलिए साइन किया। सरकार में रहना है, सरकार में रहने के लिए जुगाड़ पाती लगा करके साइन किया, जुगाड़ पाती लगाने के लिए। तो आप किस आधार पे कहते हैं कि हम सरकार में हैं? सरकार में तो सबसे पहले आप है नहीं, जिम्मेवारी आपका कुछ है नहीं, गुलामी के अलावा दूसरा, आप सत्ता में तो कभी जा ही नहीं सकते, इस प्रणाली में सत्ताधारी आप कभी बन ही नहीं सकते। और शासन का तो सवाल छोड़ दीजिए, शासन अलग चीज है, शासन वो है जैसे मान लिया जाए अभी केपी शर्मा ओली सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, लेकिन शेर बहादुर देवा अगर कोई राजनीतिक निर्णय करे तो क्या शेर बहादुर देवा केपी शर्मा ओली से बगैर पूछे कोई निर्णय ले सकता है? नहीं ले सकता। तो शासन उसको कहते हैं, शासक वो कहलाते हैं जिनके बगैर राजनीति का कोई कदम आगे नहीं बढ़ पाए, राज्य का कोई नीति आगे नहीं बढ़ पाता है, वो शासक कहलाता है। क्या मधेशी नेता ये औकात रखता है? क्या मधेशी कोई दल ये औकात रखता है कि उसके बिना पूछे शेर बहादुर देवा कोई काम कर ले, प्रचंड कोई काम कर ले, या केपी शर्मा ओली कोई काम कर ले? तो ये भ्रम से हमें दूर होना पड़ेगा कि हम सरकार में हैं, हम शासन में हैं, हम सत्ता में हैं, हम चाकरी में है, गुलामी में है, दलाली में है, मधेश को ठगने और बेचने में काम आते हैं, इससे ज्यादा हमारा काम कुछ नहीं। और ये क्यों हो रहा है? अभी एक भाई हमसे पूछ रहा था, भाई का सवाल खुद मुझे बड़ा अचंभ कर दिया है, मैं बोलना भी चाह रहा था, समय नहीं था, वो बोल रहा था हमसे यहीं पे पूछ रहे थे भाई कि सर ये देश क्या होता है, देश भ्रम है या क्या है? मैंने उन्हें पर्याप्त ठीक से समझा नहीं पाया समय के अभाव थी। तो हम लोग, हम टीचर भी रह चुके हैं, प्राध्यापक रह चुके हैं, हम लोग पीए में पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, पैंडोराज बॉक्स आप लोग यहां पे कोई श्लोक पढ़े होंगे, पैंडोराज बॉक्स, वो पैंडोराज बॉक्स होता क्या है, उसमें है क्या कि एक बक्सा है, उस बक्सा में बड़े बड़े ख्वाब डाल दिया गया है, पुलाव, ख्वाब का पुलाव डाल दिया गया है उसमें, और बाहर से ताला लगा दिया गया है, और बाहर ये प्रचार किया जा रहा है कि हमारा बात मानोगे तो इस बक्सा में धन है, संपत्ति है, दौलत है, शासन है, प्रशासन है, सारा चीज है इसी में। और बाहर लोग जो चलाक शासक लोग होते हैं ना, वो लोगों से काम ले लेता है, काम ले लेने के बाद जब बक्सा को खोला जाता है तो बक्सा में कुछ नहीं है, खाली। वही चरित्र इस राज्य का है और हमारा है, हम पैंडराज बॉक्स में है। और देश, मैंने कहा बाबू को कि देश वास्तव में एक भ्रम है, देश हमेशा बनता है, हमेशा बिगड़ता है। 1945 दूसरा विश्व युद्ध के बाद इस दुनिया में जमा 52 देश थे, और आज 200 से ज्यादा देश है। क्यों हो गया? कोई आकाश से टपका तो नहीं है, पताल से फूट करके तो नहीं आया है? देश आदमी अपने आवश्यकता के लिए निर्माण करता है, आवश्यकता के लिए तोड़ता है, आवश्यकता के लिए फोड़ता है, आवश्यकता के लिए जोड़ता है। कभी एक कोरिया दो कोरिया बन गया, कभी दो जर्मनी एक जर्मनी हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो देश हमेशा भ्रम, और ये शासक लोग हमें बहला करके, फुसला करके, थक करके कि देशभक्त बनो, देश के नाम पे मरो, लेकिन देशभक्ति के नाम पे जो मरने वाले हैं उन्हें शासक ने क्या दिया है? हम आंदोलन के नाम पे, हम इस नेपाल देश के नाम पे इतनी सारी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन जितना कुर्बानी मधेशियों ने दिया है, चाहे वो राणा के खिलाफ में आंदोलन करके हो, और ये तय है, ये सब जानता है कि आप काठमांडू में 600 साल आंदोलन कर ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सरकार को, गोखला में कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश को, राज्य को, सरकार को कब फर्क पड़ा है? राणा काल में हो, पंचायत के विरोध के काल में हो, गिरिजा तंत्र के खिलाफ के काल में हो, माओवादी के युद्ध को सफल करने के काल में हो,
जब तक मधेश में वो आंदोलन नहीं लग गया और मधेश ने उस आंदोलन को साथ नहीं दिया तब तक इस देश का कोई भी आंदोलन सफल नहीं। पछिल्लो पल्ट संविधान संशोधन मार्च गर्दै संसदतिर ध्यानाकर्षणलाई हामी सँगै गयौँ एकसाथ, त्यो भएर हाम्रो सहकार्य छ र रिजाजीले भने जस्तै एउटा नागरिक समाज एउटा या दुईवटा हुँदैन तर त्यो गणना गर्न पनि सकिँदैन, तर बृहत नागरिक त्यसको अर्थ के अरे भने हामीले काम गरिरहेको बृहत नागरिक आन्दोलनमा गयो भने कि बृहत नेपाली नागरिक समाज को उठानको लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट काम गऱ्यौँ भने हाम्रा आन्दोलन हाम्रा मुद्दाहरू एकअर्कासँग मुद्दाको सहकार्य र त्यसले निर्माण गर्ने राष्ट्रिय मनोबल र राष्ट्रिय मनोविज्ञान त्यसले निर्माण गर्ने राष्ट्रिय मनोविज्ञानको आधारमा हामीले खोजेका परिवर्तनहरू हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले सोच्नु धेरै जरुरी छ। उहाँले भन्नुभयो मधेसमा नागरिक समाजको अभाव छ, त्यो एकदमै सही हो। काठमाडौँमै अभाव छ, पोखरामै अभाव छ, मलाई लाग्छ पहाडमा अभाव छ। मधेस त ठुलो राष्ट्र हो, त्यहाँभित्र धेरै नागरिक समाज को निर्माण हुन धेरै राजनीतिक दलहरूले जब जब आन्दोलन उठाउँछन् उनीहरूले कहीँ न कहीँ सम्झौतामा पुगेर सत्तासँग त्यसको सम्झौता गरेकै हुन्छ। त्यस कारण सत्तासँग सम्झौता नगर्ने र समाजलाई सधैँ बलियो बनाउने अर्थात् नेपाली नागरिकलाई बलियो बनाउने आन्दोलनहरूको लागि खासमा चाहिँ सत्तासँग सम्झौता बेगरको सत्तासँग सम्झौता उन्मुख नहुने शक्तिहरू निर्माण गर्नको लागि हामीले एकअर्कासँग हातीमालो गऱ्यौँ भने धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू हामीले स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। अहिले हामी यो राष्ट्रिय भेलामा यहाँ सरी हुने अवस्थामा नेपाल निर्वाचनतर्फ गइरहेको छ। स्थानीय सरकारको निर्वाचन अहिले फेरि पनि स्थानीय सरकारको हुँदै छैन, फेरि पनि राष्ट्रिय सरकारको निर्वाचन जस्तो परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ। अगुवा सरके ध्यान जाइ के कतो ने कतो इसेन सरके राले और ओके आई तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद विगत 5 वर्ष से अपने के विभिन्न आयाम में काम करते आ रहा छे। अपने के हम 5 वर्ष पछाड़ी लड़ रहे छे, जै टाइम में तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद के शुरुआत भेल आ के वही टाइम में मधेश आंदोलन भ चुकल रहा है। लेकिन मधेश में हम सब देखली बहुत किस्म के आए के व्याकुलता रहे। मधेश के युवा सब में एक किस्म के वो सब बहुत व्याकुल रहे। कुछ मधेश में जे किस्म से हम सब देखली आंदोलन भले, लेकिन आंदोलन के अनुसार जे हमरा सब के जे नेतृत्व कर रहा है जे जनप्रतिनिधि सब है वही किस्म से आए के काम कर नहीं रहा है। कतौ ने कतौ उकुस मुकुस होते रहे वही टाइम में मधेश के युवा सब में। वही में कुछ युवा सब आए के हम सब एक जगह एकत्रित भेली और तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद के वही टाइम में हम सब स्थापना कैली। बाकी नहीं रह जाए छे, ओहिमे बहुत कुछ छुपल रहे छे। ताहि लेल एहि विषय पर हम नहि जायब सीधे। तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद आंतरिक उपनिवेश मधेश के आंतरिक उपनिवेश से निकल के उपाय की भ सकै छै या मधेशी राष्ट्रता निर्माण कऽ कऽ दोसर चरण में केना प्रवेश कयल जा सकै छै, एहि विषय पर तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद काज कऽ रहल छै और ओकर और एलिमेंट सब केना राष्ट्रता मजबूत करके की उपाय सब छै ओकरे प्रक्रिया में निरंतर रूप से अपन स्थापना काल से टीएमएनसी काज कर रहा छै। और अइ बेर टीएमएनसी ई बिलीव कैल के जे ई विचार के और नीति के दुनू के राजनीतिक चेतना युक्त लीडर के आवश्यकता अइ के लेल होय छै और उ लीडर के विकास एहने वैचारिक बहस अंतरक्रिया के माध्यम से हो और उ लीडर के आज के दिन में अपन मधेशी रास्ता निर्माण के लिए कम से कम अभिभारा अपना अपना स्तर से बोगो तराई मधेश राष्ट्र परिषद की परिकल्पना करे और वही में निरंतर रूप से काज कर रहा है। और विगत सौ आज तक तराई मधेश राष्ट्र परिषद की कैल के विषय में जाए के जरूरी नहीं है, एहि लेल सब गोटे के मालूम है जे विचार प्रधानता के साथ ही विचार पर बहस कर एगो संश्लेषण निकलो और वैचारिक
हिसाब से ही समस्या के समाधान हो कहीं त्राय प्रदेश राष्ट्र परिषद काज कर रहा है और अभी भी त्राय प्रदेश राष्ट्र परिषद के विकल्प से विचार विहीनता के अवस्था में पॉपुलरिज्म के अवस्था में और कष्ट में कॉस्मेटिक लीडरशिप से परिवर्तन नहीं भर सके ई विश्वास त्राय प्रदेश राष्ट्र परिषद ल रहा है। और दोसर अभी के जनरेशन जे लिबरल डेमोक्रेसी कहे छै जे जनरेशन जे तरीका से बुझ रहल छै सत्य के दूर जाकर यथार्थ से दूर जाकर जे विश्लेषण छै अभी के युद्ध का वो विश्लेषण से कतौ ये समाज आगा नहीं बढ़ सके छै ओय विश्लेषण के सत्य के जोरे आगा लो जाके संश्लेषण निकाले के आवश्यकता हम देख रहल छी और अइ में सब आदमी के हाथ में मालक आगा बढ़ पड़ते तभी जाकर प्रदेश के कल्याण हो सके छे और मधेश के भावी पुस्ता एगो कह सके छे जेना सही में विथ डिग्निटी हम मधेशी हो सके छे ई राज्य में हमर अधिकार छे हम अपन अधिकार लग करबे ओकर मार्ग प्रशस्त करबे कहि के मात्र संभव हो सके छे क्षेत्रीय मधेश राष्ट्र परिषद परिकल्पना कैले छे और अठोटो कैले छे। तै हेतु आई ई प्रोग्राम में अतिथि सब के हुनका सब के भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देबे चाहे छी और अहां सब के भी बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे छी अपन समय अपन अमूल्य समय निकाल को इतने धैर्य पूर्वक ये बात सब सुन लिए और हमें विश्वास है ये बात सर कल के जो कान से सुन के कान से निकाल लेवे से नहीं है अ लेल जे ई अव्यवहारा अहू के है और ई जनरेशन के मुख्य अव्यवहारा छै जे अहां ई तौर ई उत्तरदायित्व लियो और आगे के रास्ता प्रशस्त करियो नेतृत्व अहां सब के लेवे पड़त अहां के नेतृत्व कोई और नहीं करे व्यक्ति खुद में एगो लीडर बने के सब में संभावना होय छै और सब के अवसर ई समय सब के अवसर दै छै। कला संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन।